अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए शुरू से लेके अब तक, वो पॉइंट चार्जेस पे थे। पॉइंट चार्जेस के ऊपर कूलम लॉ और ई का सिंपल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है, हम जो अब कंटिन्यू करेंगे अपने फिजिक्स, उसमें रिंग के एक्सिस पे, एक चार्ज रिंग के एक्सिस पे ई निकालें, जब कूलम लॉ नहीं चलता इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, डिस्क के एक्सिस पे ई निकाल लें, रॉड के एक्सिस पे ई निकाल लें, इनफाइनाइट शीट की वजह से ई निकाल लें, एक चार्ज शेल की वजह से ई निकाल लें, सॉलिड स्फीयर चार्ज है उसकी वजह से ई निकाल लें, एक चार्ज सिलेंडर है उसकी वजह से ई निकाल लें, अब देखो पॉइंट चार्जेस नहीं है, फिगर चेंज हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए नॉर्मल इंटीग्रेशंस काम नहीं करेंगी, बस ये एक आध क्वेश्चन है रिंग वाला जो नॉर्मल इंटीग्रेशन से होगा। जो कॉम्प्लेक्स फिगर्स हैं, स्फीयर और 3D फिगर्स हैं, उनके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे अगला चैप्टर, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और वो लॉन्ग इंटीग्रेशंस को अवॉइड भी करता है। तो अभी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग में चार्ज रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जरूरी नहीं आप ये स्टाइलिश से रिंग बनाएं मोटी सी, आप एक लाइन भी खींच सकते हैं, एक ही बात है। तो ऐसी रिंग बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक लाइन खींच दें। तो एक रिंग है, इसका रेडियस ए है, चार्ज इसके ऊपर क्यू है, आपको इसके एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे ई निकालना है। जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या होना चाहिए, +1। अब चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक बारी में आंसर आएगा नहीं। रिंग का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप रिंग के दो एलिमेंट्स ले लें और हमेशा डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स लें। तो एक एलिमेंट छोटा सा ये ले लें और एक एलिमेंट डी क्यू ये ले लें। ये जो एलिमेंट है डी क्यू पॉइंट है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा यहाँ पे +1 पे, तो डी क्यू +1 को क्या करेगा, रिपेल। तो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल करेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल करेगा। ऐसे ये भी डी क्यू, तो ये डी क्यू भी +1 को रिपेल करेगा, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगा, कहां, इस तरफ होगा। तो दोनों एलिमेंट्स ने डी ई डी लगाया, तो बायसिमेट्री, अगर ये ए है ये आर है तो ये √r² + a² पाइथागोरस, नीचे भी सेम हो जाएगा। और बायसिमेट्री ऊपर नीचे ट्राइंगल सेम है तो थीटा थीटा एंगल भी सेम है, वर्टिकली ऑपोजिट से ये एंगल भी सेम है। डी ई के दो कॉम्पोनेंट होंगे, डी कॉस थीटा डी ई साइन थीटा, इस डी ई के भी कॉम्पोनेंट होंगे डी कॉस थीटा डी ई साइन थीटा। ये कॉम्पोनेंट इसे क्या कर जाएगा, कैंसल। तो नेट जो ई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2d cos θ। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने रिंग के कितने एलिमेंट्स लिए, सिर्फ दो, दो एलिमेंट्स ने कितना कंट्रीब्यूशन किया इस एक्सिस के ऊपर, 2d cos θ। अगर मैं एक कंपोनेंट लेता तो एक कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, d cos θ। देखो दो के 2d cos θ, तो एक का d cos θ, तो हर एलिमेंट का d cos θ कॉन्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं ये पूछूं कि डी क्यू ने यहां पर डी ई लगाया कितना, तो यहां पर सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्योंकि तो पॉइंट चार्ज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय √r² + a² का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, डी ई आ गया। अब एक एलिमेंट ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, डी कॉस थीटा, तो सारे साइन कॉम्पोनेंट हर कॉम्पोनेंट के इस एलिमेंट के कैंसिल होते जाएंगे। तो आप कोई भी एक एलिमेंट ले लें, एक एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन डी कॉस थीटा, डी ई की वैल्यू जो मैंने निकाली वो यहां पुट कर दें और कॉस थीटा इस ट्राइंगल से निकाल लें, √r² + a², इसकी पावर हाफ है इसकी 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। इंटीग्रेशन जो है वो डी क्यू की चल रही है, तो चार्ज बाकी सब कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, चार्ज की इंटीग्रेशन क्या है, 0 से q, तो प्लीज ये फॉर्मूला नोट करें, ये फॉर्मूला रजिस्टर जो आपने बना रखा है उसमें ये डायग्राम बनाएं और इसको जरा प्रैक्टिस करें रफ के अंदर, कैसे डेरिवेशन की यहां तक प्लीज करें। और एक स्पेशल केस भी करें, स्पेशल केस साथ देख लें कि अगर कोई ई देख लें सेंटर ऑफ रिंग पे पूछे, अभी तो एक्सिस पे निकाला हमने आर डिस्टेंस दूर, अगर सेंटर पे निकालना हो तो आर को क्या पुट करें, 0। तो आर को अगर 0 पुट करेंगे, आर को 0 पुट करेंगे ऊपर नीचे, तो ई क्या आएगा, 0। तो पहला रिजल्ट जो न्यूमेरिकल में काम आता है, रिंग के एक चार्ज रिंग के एक्सिस के ऊपर ई का फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला रिंग के सेंटर पे ई का फॉर्मूला 0। ये करने की जरूरत है नहीं वैसे, बस ये बता देता हूं, ये बता रहा है अगर आर बहुत बड़ा है ए से, ए रेडियस है रिंग का, ए तो बहुत छोटा है लेकिन आर बहुत बड़ा है,
तो बहुत बड़े डिस्टेंस के हिसाब से ये रिंग आपको पॉइंट की तरह नजर आएगी क्योंकि रेडियस बहुत छोटा है। तो आप इस रिजल्ट में जब ए को निगलेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 में क्या आएगा, आर का क्यूब आएगा, तो रिंग पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हालांकि ये नहीं आता, ये दो रिजल्ट आपने नोट करने हैं, तब आप एक डायग्राम बनाए इसका, ये डायग्राम बनाए, इसको डेरिवेशन रफ में लिख के देखें और फॉर्मूले के अंदर जो बुकलेट है फॉर्मूला की जो बना रहे हैं उसमें एक रिंग का डायग्राम बनाएं और साथ में ये फॉर्मूलाज को नोट करें।